वेद संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप अंगूठे की शेप से किसी के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह हमारे ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति का सिर्फ हाथ देखकर ही उसके भविष्य के बारे में लोग पता लगा लेते हैं, ठीक वैसे ही सामुद्रिक शास्त्र में इंसान के शरीर के एक एक अंग के पीछे कई तरह के राज बताए गए हैं। तो दोस्तों, आज वेद संसार आपको हाथ के अंगूठे के पीछे छिपे राज का उल्लेख करने जा रहा है। हस्तरेखा विशेषज्ञों की माने तो हाथ की हर उंगली का अपना अलग ही महत्व होता है। वहीं उंगली के अलावा इंसान का अंगूठा भी आपके बारे में कई राज बताता है। विशेषज्ञों के अनुसार हर किसी के हाथ का अंगूठा दूसरे के हाथ से अलग होता है और अंगूठे का शेप आपके बारे में काफी कुछ बता सकने में सक्षम है। जहां कई लोगों का अंगूठा लंबा होता है, वहीं कुछ लोगों का अंगूठा छोटा भी होता है। यही नहीं, कुछ लोगों का अंगूठा समकोण बनाता है। तो चलिए अब बताते हैं कि आपको अलग अलग अंगूठों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल अंगूठे की, यानी कि मजबूत इरादे वाले होते। ऐसे लोग होते हैं मजबूत इरादे वाले। दोस्तों बता दें कि जिस अंगूठे को सीधा करने पर राइट एंगल बनता है उसे राइट एंगल अंगूठा कहते हैं। इस खास तरह के अंगूठे वाले लोगों के ख्याल बहुत ही मजबूत होते हैं। ऐसे लोग मजबूत ख्यालात वाले तो होते ही हैं और साथ ही इन्हें हराना भी आसान नहीं होता। ध्यान रहे कि अगर ऐसे व्यक्ति को हरा भी दिया जाए तो भी वो दोबारा संघर्ष करने को हमेशा तैयार रहते हैं। सामान्य आकार से लंबा अंगूठा। जिस किसी का भी अंगूठा तर्जनी उंगली के बीच के भाग से गुजरता है तो ऐसे लोगों का अंगूठा सामान्य आकार से लंबा होता है। जान ले कि इन लोगों में खास तरह की खूबियां होती हैं, क्योंकि इन लोगों के विचार स्वतंत्र होते हैं व साथ ही इन लोगों की सोच दूसरों से अलग होती है। यह लोग हर मुद्दे पर अपनी सकारात्मक राय रखने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन लोगों का गणित बहुत ही अच्छा होता है और इन लोगों में सफल इंजीनियर बनने के गुण भी मौजूद होते हैं। आगे है सख्त अंगूठा। दोस्तों यही नहीं, कई लोगों का अंगूठा बाकी शरीर की त्वचा से काफी सख्त होता है। ध्यान रहे कि ऐसे सख्त अंगूठे वाले लोग हठी कहलाते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि ऐसे लोग दिमागी रूप से काफी सक्रिय होते हैं। गौरतलब है कि यह लोग अपनी मन की ज्यादा करते हैं। बता दे कि इनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं मनवा सकता। आगे हम बात करेंगे छोटे अंगूठे। दोस्तों बताते चले कि कुछ लोगों के अंगूठे छोटे होते हैं। अगर आपका अंगूठा तर्जनी उंगली तक भी पहुंचने में सक्षम नहीं है तो जान ले कि ऐसे लोग छोटे अंगूठे वाले साइज के माने जाते हैं। हालांकि छोटे अंगूठे वाले लोग बहुत ही मेहनती तो होते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने मन का नहीं कुछ कर पाते क्योंकि यह दूसरों के विचारों पर ज्यादा चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आगे से आप भी किसी का अंगूठा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो किस विचारधारा के और किस विचार के लोग हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।